Data structure tree properties of binary tree. So in the last video we have studied about what is binary tree. In this video we will see what are the properties of a binary tree. First is the maximum number of nodes at level I is equal to 2^i. Level already हम देख चुके हैं. Level actual में जो मैंने best example दिया था वो था कि अगर आप एक building की बात करें, आप ground floor पर हैं तो वो level 0 है, then first floor and second floor. यहाँ पर क्योंकि tree में अपसाइड डाउन होता है, लेवल जीरो अप से रूट से स्टार्ट होता है, सो द लेवल जीरो इज लेवल वन एंड लेवल टू. एंड वी आर सेइंग दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल आई. मैक्सिमम नंबर का मतलब है कि इससे कम भी हो सकते हैं, बट हम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पर उसकी बात करें. अगर लेवल जीरो की बात करें तो 2^i का मतलब है 2^0 इज इक्वल टू 1. तो लेवल 1 पर मैक्सिमम 1 नोड हो सकता है. लेवल 1 पर 2^1 इज इक्वल टू 2. यहाँ पर वैल्यू पुट किए, ठीक है. लेवल 2 पर मैक्सिमम 2 नोड्स ही हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि 2 नोड्स ही हो. अगर यहाँ पर सिंगल नोड है तो भी इसे हम बाइनरी ट्री कहेंगे, क्योंकि बाइनरी ट्री का रूल क्या कहता है कि या तो 0 चाइल्ड हो, 1 चाइल्ड हो, या फिर 2 चिल्ड्रन हो, राइट. सो द नेक्स्ट इज, अगर लेवल 2 है तो लेवल 2 के केस में हम वैल्यू 2 पुट करेंगे. यहाँ पर 2 लिख लेना, राइट. 2^2 इज इक्वल टू 4. सो मैक्सिमम लेवल 2 पर 4 नोड्स आ सकते हैं, बट उससे कम भी हो सकते हैं. हम मैक्सिमम नोड्स की बात कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच इज इक्वल टू 2^h+1-1. ओके, हाइट हमें पता है क्या होता है. लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं कि अगर हम इस नोड की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ से काउंट करते हैं, लीफ नोड से. कितने नोड्स क्रॉस करके या फिर कितने एजेस हैं बीच में, राइट. तो अगर यहाँ से हम हाइट लें, हम कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच. यहाँ पूरे ट्री की बात हो रही है, अगर उसकी हाइट एच है, ठीक है, तो नोड्स, सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे मैक्सिमम जब हाइट एच है. अब यहाँ पर हाइट क्या है, 1, 2, ठीक है. अगर नोड्स पे हम काउंट करें तो 1, 2, इस नोड को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं हाइट एच के केस में. अब यहाँ पर फर्स्ट ए एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल नोड है, इसका मतलब इसकी हाइट 0 है, राइट, क्योंकि यहाँ पर कोई एच नहीं है, ठीक है. तो इन केस ऑफ एच इज इक्वल टू 0, अगर हम वैल्यू पुट करें, h+1 इज 0+1, एच की वैल्यू पुट किए, -1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 2^1-1 मीन्स 2-1 इज इक्वल टू 1. इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये केस है. यहाँ पर हाइट 1 है. हाइट 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल एच है, राइट. तो यहाँ पर h इज इक्वल टू 1, अगर वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2^1+1 इज 2 विच इज 4-1 इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं. इसमें हाइट कितनी है, 2, 1h 2h, राइट. तो h इज इक्वल टू 2, 2^2+1, 2+1 इज 3 एंड 2^3 इज 8, -1 इज इक्वल टू 7, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि अगर हमें हाइट पता है, ठीक है, क्योंकि इन ऑप्शंस में हमें हाइट पता थी और हमें क्या फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स. इसी चीज को अगर हम उल्टा देखें कि अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स पता है और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में क्या होगा कि हाइट ऑफ ए फुल बाइनरी ट्री विद एन नोड्स अगर हमें फाइंड आउट करनी है. हमें फॉर्मूला पता है किस चीज का, कि अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. बट यहाँ पर हमें एन फाइंड आउट नहीं करना है, हमें एच फाइंड आउट करना है, ठीक है. और फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि जिसमें हर एक नोड के 2 चाइल्ड हैं और जो भी लीफ नोड्स हैं वो सभी सेम लेवल पे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दिखाया है, राइट. इसी फॉर्मूले को यूज करके हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर -1 है, यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, n+1, बाकी वैल्यू यहाँ पर सेम रहेगी. अब यहाँ पर हम लॉग पुट कर देते हैं. यहाँ पर लॉग पुट करेंगे तो आएगा लॉग बेस टू 2 n+1
और यहाँ पर जब हम लॉग लगाएंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा लॉग के साथ, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रही, एच प्लस 1। अब यहाँ पर हम 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे, लॉग बेस 2 एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एच। यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई है एच की, कि अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फुल बाइनरी ट्री में कितने नोड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स आप काउंट कर सकते हैं एन इज इक्वल टू 15, राइट। हमें फाइंड आउट करनी है हाइट, सेम फॉर्मूला में रखते हैं, लॉग टू द बेस, यहाँ पर एन की वैल्यू हमें पता है 15, 15 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एच, 15 प्लस 1 इज 16 और 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4, ठीक है। तो यही कैंसिल हो जाएगा लॉग के साथ और वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 4, 4 माइनस 1 यहाँ से, 4 माइनस 1 इज 3 इज इक्वल टू एच। तो फाइनली हमारे पास हाइट क्या आ गई है, एच। और अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो जो हाइट क्या है, एच। हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूरे ट्री की बात कर रहे हैं, राइट। तो पूरे ट्री में हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो सबसे लोएस्ट वाला नोड है या फिर हम कहें जो लीफ नोड है वहां से काउंट करेंगे टू द रूट नोड। यहाँ पर एजेस काउंट करते हैं 1, 2 एंड 3, तो इसकी हाइट क्या है, 3। बट जरूरी नहीं कि आपको डायग्राम गिवन हो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है हाइट, राइट। ओके।